विच पिया परथू नौजवान एक दूजे दे नाल होए गुत्थम गुत्थी। आखिरकार की है पूरा मामला, देखो एक खास रिपोर्ट। पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति बद तो बदतर हुंदी जा रही है। आए दिन ही गोलियां चलन दे मामले सामने आ रहे ने। हालांकि पंजाब दे विच विधानसभा चोणां दी वोटिंग होई नूं थोड़ा ही समा होया है, जिसके बाद अमृतसर दे रणजीत एवन्यू विच इक आयल सेंटर च गोलियां ते तलवारां चलियां। वारदात विच एक नौजवान दे जख्मी होण दी जानकारी मिली है। जख्मी होण वाला नौजवान आराध्या इंस्टीट्यूट दा मालिक अमन है। मौके ते मौजूद लोगों ने दस्या कि वारदात फीस नूं लैके होई है। उत्थे मौके ते चश्मदीन ने दस्या कि दोपहर कुछ लोग उस दे इंस्टीट्यूट विच आए ते पैसे नूं लैके लड़ाई झगड़ा करन लग पे। जदों कुछ लोगों ने बचा करना चाहिया तां मुलजमां ने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस दौरान एक गोली अमन की लत पे लगी, जिसनु नेड़े दे निजी अस्पताल दाखिल करवाया गया। अभी मैं यहाँ से जा रहा था और 8-9 जने एकदम भीड़ मेरी गाड़ी के आगे आ गई और फिर लड़ते लड़ते वो वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ पर 3-4 फायर किए हैं, एक ब्लैक कोट वाला था और तलवारें भी चली हैं। एक शायद तो कह रहे हैं कि उसके लात में लगी गोली, उसको ले गए हैं लड़के को साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको ले गए हैं। इसके बारे में पता नहीं है कौन लड़ रहे थे, कौन नहीं, ना नहीं इसके बारे में पता। फायरिंग कहाँ पे हुई है, सड़क के ऊपर हुई है कि साइड पे? नहीं सड़क पे हुई है, और मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने हुई है। कितनी गोलियां चली? 3-4 चली। दूसरे पास पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके पे पहुंचे ते जांच उन्होंने वालों की जा रही है। वेस्ट वेस्टर्न की बैक साइड पे आराध्या इंस्टीट्यूट है, उत्थे दो गुटों के लड़ाई हुई है। सर कारण कोई पता चल रहा है? तफ्तीश चल रही है जी, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਾਧਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਨੇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ। ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਕਾਂਤ, ਸ਼ਿਗਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ਕਰਾਣੂ, ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼, ਨਾਮਰਦੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। वर्मा दवाखाना, नियर नाइया वाला चौंक, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98150-6471, 98144-6471।